नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, प्यार दिया और भरपूर सहयोग दिया। नमस्कार, विमला की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चटपटे मसूर की दाल के कटलेट। आइए मैं बताती हूँ उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये एक मसूर की दाल जो मैंने 2 घंटे भिगो के और अच्छे से पानी निकाल के रखा है, 2 मीडियम साइज के प्याज चाहिए, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, महीन कटी हुई प्याज, हरा धनिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, 1/2 कटोरी तेल, 1 छोटा प्याज हमने काट के रखा है, 1 कप हमें पानी चाहिए जिसका यूज़ अब अभी हम दाल में करेंगे आधा और आधा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले कटलेट के लिए हमें दाल पीसनी है। 1/2 कप पानी डाल के हम दाल का बैटर तैयार करेंगे। दाल हमें ज़्यादा दरदरी नहीं रखनी है और न ज़्यादा महीन रखनी है, सही सही हो और बैटर भी ज़्यादा न पतला हो न ज़्यादा गाढ़ा हो। देखिए ऐसे होना चाहिए बैटर हमारा। अब हम इसको एक बाउल में डालेंगे। ये दाल के कटलेट मैंने 4 जनों के हिसाब से बनाए हैं। अब इसमें डालेंगे नमक, हरी मिर्च, आप हरी मिर्च अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। बैटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम कटलेट बनाएंगे। कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे और गैस की फ्लेम हमें लो से मीडियम रखनी है और कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे दाल का बैटर। तेल हमने पहले इसलिए डाला ताकि दाल चिपके ना। अगर किसी कारण आप तेल भूल जाते हैं तो आप बीच में 1 चम्मच तेल ज़रूर डालें ताकि हमारे कोफ्ते कटलेट जो है स्वादिष्ट बने और सॉफ्ट बने। अब इसको हम चलाते चलाते अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारा बैटर थिक हो जाए। देखिए हमारा बैटर थिक होना चालू हो गया है। लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अगर आप छोड़ेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, फिर हमारे कटलेट अच्छे नहीं बनेंगे। इसे लगातार चलाते रहना है। बैटर हमने हमारे कढ़ाई छोड़ दी है और ओरिजिनल कलर में भी आ गया है जिसमें मसूर की दाल होती है। और शुरू शुरू में हमने जो फ्लेम जो रखी थी लो से मीडियम, जब आप बैटर डालेंगे तो फ्लेम हमें फुल रखनी है। अब हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। थाली में तेल लगा के बैटर को फैलाना है। बैटर हमें गरम गरम फैलाना है और अगर आपको गरम लगे हाथों से तो कटोरी पे तेल लगा के इसको फैला सकते हो। जब तक हमारा बैटर ठंडा होता है तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। गैस ऑन करके हमें फ्लेम मीडियम से लो रखनी है और इसमें 1 चम्मच हमें डालना है अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है तो 6-7 कली आप लहसुन की डाल के पेस्ट बना लीजिए प्याज के साथ। अब हम कटलेट काटेंगे। देखिए हमारी छुरी कितनी साफ निकल रही है, इसका मतलब बैटर हमारा अच्छा तैयार है। अब इसके छोटे छोटे पीस करेंगे। आप अपने हिसाब से कटलेट के पीस कर सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से साफ निकल रहे हैं, ऐसे निकलने चाहिए कटलेट हमारे। कटलेट हमने सारे निकाल के रख दिए हैं। अब हम मसाला भूनेंगे, अच्छे से ब्राउन होने तक भूनेंगे। और अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते हो तो अदरक के साथ आप प्याज पीस के भी डाल सकते हो और मिर्च और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखेंगे आप। अब इसमें डालेंगे हल्दी, क्योंकि हमारा मसाला अच्छे से ब्राउन हो गया है। मसाला भी हमें चलते चलते ब्राउन करना है, छोड़ेंगे तो कहीं से लाल होगा कहीं से वाइट होगा। अब इसमें डाली हल्दी, मिर्च और पानी 1/2 कप जो हमारा बचा हुआ था। अब इसमें डालेंगे हम नमक डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, कलर भी बहुत अच्छा आया। अब इसमें डालेंगे हम कटलेट भी हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब मसाला कटलेट पे अच्छे से मिक्स हो जाए, जब हम खाएं तो कटलेट में अच्छा स्वाद आए। अब देखिए हमारे कटलेट भी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें ढक के रखेंगे 5 मिनट। 5 मिनट हमारे हो गए हैं, कटलेट हमारे सॉफ्ट भी हो गए हैं और तेल भी छोड़ दिया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट हैं। कलर भी इनका वैसा का वैसा ही है, ओरिजिनल। अब हम गैस ऑफ करेंगे और कटलेट को उतार के हम बाउल में डालेंगे। इसके ऊपर हम कच्चा प्याज डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे ताकि इसमें स्वाद और बढ़ जाए। लीजिए तैयार है हमारे मसूर दाल के कटलेट।
आप खा के और हमें बताइए, कमेंट करिए आपको कैसे लगे। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।